ये जो जंगल है ना, इस जंगल के अंदर हिस्ट्री जर्मन की, यहाँ पे बंकर भी बने हुए हैं, और वो बंकर पुराने जब सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी तब के बंकर है। तो वो भी मैं आपको ना इंशाल्लाह, अगर जो इंटरेस्टेड है, हाँ कौन गेंद व्यवहार, अगर जो इंटरेस्टेड है, जो मेरे सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किए, तो उनसे मैं आज रिक्वेस्ट पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ऐसी चीज़ों में, तो जैसे जर्मन की हिस्ट्री, हिटलर के बंकर, तो हेलो सारे के व्यूअर्स, मेरा नाम सलमान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज जो वीडियो है वो मैं इन्फॉर्मेटिव नई वीडियो बना रहा, एक छोटी सी व्लॉगिंग वीडियो बना रहा हूँ अपने बेटे की। मेरा बेटा शायान काफ़ी टाइम से वो साइकिल चलाना सीख रहा था, और हमारी कोशिश ये थी कि बगैर जो टायर हैं, जो सपोर्टिंग जो टायर होते हैं, उसके बगैर वो साइकिल चलाए। मगर उसको एक डर खौफ था, एक डर सा लगा हुआ था। तो बहुत कोशिश करने के बाद अभी शायान ने, अभी उसको BMX साइकिल लेके दी, आज इसने बस करिश्मा कर दिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज बगैर डर के और किसी हिचकिचाहट के, या तो ऐसे खौफ के मारे, पहले ऐसा होता था, खौफ होता था, डर होता था, अभी वो डर ख़त्म हो गया। अभी वो साइकिल चला रहा है बहुत ही ज़बरदस्त। तो अभी मैं आपको शायान से मिलाता हूँ। शायान, ये रहा मेरा बेटा शायान। अस्सलाम वालेकुम, तुम आ लिया लग मत। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। बोलते हैं एज पेरेंट्स बहुत खुशी होती है जब जब आपका बच्चा जब छोटा होता है, जब फर्स्ट स्टेप चलना स्टार्ट हो जाता है, तो जो अम्मी अबू हैं बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि यार देखो हमारा बच्चा भी पैदल चलना स्टार्ट हो गया। पहले से रिंगता तो नहीं था, रिंगता तो सांप है, मगर मतलब ऐसे चलता था घुटनों के बल। अभी देखें, अभी चलना स्टार्ट हो गया, तो मम्मी डैडी बहुत खुश होते हैं। मुझे खुशी इसलिए बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि हम लोगों ने बहुत एक साल पूरी कोशिश की, इसको एक डर था, आज वो डर ख़त्म हुआ, आज साइकिल चला रहे, वो हमारे लिए आज के दिन है, प्रेजेंट है हमारे लिए। तो अभी दिखाता हूँ शायन कैसे साइकिल चला रहे हैं। वो कमा लिया, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज से, बैलेंसिंग भी बहुत अच्छी है। पहले इसको बैलेंस नहीं कर सकता था, अभी बैलेंस भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज वेदर भी बहुत अच्छे हैं, जिस वजह से मैंने कहा आज बाहर निकलते हैं, संडे का दिन है। बोलते हैं ना वो बहुत खुश हो रहा है साइकिल देख के, वो थोड़ी बहुत एक्टिंग भी कर रहे हैं। वो सहन, शायन को हम प्यार से बोबो बोलते हैं, क्योंकि ये कार्टून जो बोबा कार्टून है वो बहुत शौक से देखते हैं, इस वजह से इसका नाम हमने रखा है बोबो। ये हमारा बोबो है, बोबो भाई है, बोबो भाई जी। तो बस खुशी इस चीज़ की है क्योंकि हम लोगों ने प्लान बनाया था एक, अभी सारे बच्चे माशाल्लाह, दूसरे बच्चे वो साइकिलिंग कर सकते हैं, जैसे समीरा और लीला हो गई, वो दोनों साइकिलिंग कर सकते हैं। सर शायान का डर था क्योंकि हमारे पास एक साइकिल है जिसमें पीछे एक ट्रांसपोर्ट टाइप का एक जो बॉक्स होता है ट्रांसपोर्ट, जिसमें बच्चे ट्रांसपोर्ट वगैरह बच्चे बैठते हैं, तो वो जो है उसमें सिर्फ दो बच्चे बैठ सकते हैं। तो शायान जब साइकिल नहीं चलाने आती थी तो
तो हम इसको लेकर साथ जाते थे। फिर यही होता था कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, फिर हमेशा लड़ाई होती थी। अभी हम लोग साइकिलिंग टूर करते हैं हमेशा जंगल, ये देखते हैं मेरे बैठे तो जंगल ही बहुत वसी जंगल है, तो यहाँ पर हमेशा हम साइकिलिंग करते हैं समर में और विंटर में भी। जब वेदर अच्छा हो जाता है तो हम लोग पूरी फैमिली साइकिलिंग करते हैं बैक साइड पर मैकडोनल्ड से, फिर वहाँ पर जाके बैठते हैं थोड़ी देर, बच्चों के साथ आइसक्रीम वगैरह खाते हैं। तो इस वजह से हम लोग चाह रहे थे कि शयान साइकिल सीख जाए, साइकिलिंग करे तो हमें और ईजी देगा। अभी जो है इसकी मम्मी भी बहुत खुश थी, उसको मैंने दिखाया। तो मैंने अभी जो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो मैंने ड्रोन लिया है, उससे मैं इसकी ड्रोन से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें एक सिस्टम है फॉलो मी, तो उसको मैं वो करूंगा कि जैसे ये साइकिलिंग करे तो वो ड्रोन इसके साथ चलता रहे, इसकी वीडियो निकाले। इसको भी बहुत शौक है कि अपने दोस्तों को दिखाए, और आज जो वीडियो है इसके दोस्तों को मैं सेंड करूँगा, तो किंडर गार्डन में इसके दोस्त हैं। या अभी मतलब साइकिल चलाना सीख गया, तो उसने कहा कि पापा आप जंगल के बीच में से जाओ, और मैं ना वहाँ से जो साइकिलिंग जो ट्रैक बना हुआ है वहाँ से मैं आता हूँ, आप यहाँ से आए। तो अभी मैं इधर से जा रहा हूँ, देखिए वेदर बहुत खूबसूरत है और इतना ठंडा भी मौसम नहीं है, और बैक साइड में देखें जंगल भी बहुत खूबसूरत वसी जंगल है। ये जो जंगल है इतना वसी जंगल है कि अगर आप पैदल चलो ना यहाँ पर तो ये ख़त्म नहीं होता, पैदल तो गाड़ी में भी जाओ ख़त्म नहीं होता, क्योंकि एक जंगल के बाद दूसरा जंगल स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जंगल यहाँ से स्टार्ट होता है तो आप जो हाईवे को टच करते हैं हाईवे से, फिर उसके बाद जो है फिर दूसरा जंगल स्टार्ट हो जाता है। इस जंगल के अंदर जो है वो हराम जानवर बहुत है, इस एरिए के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो अभी शयान आ गए, शयान घूम कर आ गए, मैं आपको वो दिखाता हूँ। शयान पहुँच गया था, ये ट्रैक देख रहे साइकिलिंग ट्रैक है, कृष्णा फिल्स इनका किंडर गार्डन भी यहीं पर है। तो शयान मुझे कह रहा है पिल्स कहते हैं मशरूम्स को, बोल रहे हैं यहाँ पे पिल्स की बहुत खुशबू आ रही है, क्योंकि ये जो जंगल है यहाँ पे मशरूम बहुत ज़्यादा है। तो किंडर गार्डन की तरफ से ये लोग जाते हैं मशरूम ढूंढने के लिए जंगल में, और फिर वो जो मशरूम है सारे मिलकर काट कर फिर वो लोग फ्रेश बनाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। तो इस वजह से कह रहा है मशरूम की बहुत खुशबू आ रही है। ये इंडस्ट्रियल एरिया था पहले, ये सारा ख़त्म करके इंडस्ट्रियल एरिया छोटा कर दिया गया, यहाँ पर प्लॉटिंग स्टार्ट कर दी, और यहाँ पर सारी प्लॉटिंग हुई है। और जो ये रास्ता जो मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं यहाँ पर मार्केट नेटो वगैरह है, नेटो मार्केट भी बैक साइड पर है, और यहाँ पर सारी आबादी है। तो मैं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको आज थोड़ी अलग वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, कि इंशाल्लाह अगर आप लोगों के भी वीज़े लग गए आप लोग भी आए तो है ना, मैं एक बात कहूँगा अगर जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं अगर वो इंशाल्लाह ट्राई करते हैं किसी भी मुल्क में आने के लिए, पुर्तगाल रोमानिया बुल्गारिया वहाँ पर स्टार्ट हो गया 2023 से, थोड़ी सी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आज मेरा इरादा नहीं था इन्फॉर्मेशन देने का, आज मेरा इरादा था कि बच्चों के साथ व्लॉगिंग करने का, मगर फिर भी मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ये जो खूबसूरत नज़ारा है वो आप लोग भी देख सकते हैं, ये सारे कुछ ये जर्मनी में। और अच्छा दूसरी बात ये, यहाँ पे जंगली फ्रूट बहुत होते हैं, यहाँ पे आड़ू और सेब बहुत होते हैं, जंगली सेब बहुत होते हैं, और ब्लैकबेरी बहुत होती है, और रोज़ बेरी पता नहीं ऐसे कुछ नाम है कुछ, वो भी बहुत होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक होता है हागल बूटे जो है यहाँ पर एक फ्रूट टाइप का है, उस पर चाय बनती है, वो मैंने एक वीडियो बनाई थी वो शुरू में फर्स्ट टाइम,
तो उससे चाय बनती है। तो यहाँ से लोग लेकर जाते हैं उसको ना, जब जैसे फर्स्ट बोलते हैं जर्मन में ब्रेकफास्ट को, जब ब्रेकफास्ट होता है तो वो चाय पीते हैं, बोलते हैं कि बॉस वो ज़बरदस्त सब चाय, ऐसे वो चाय बहुत ही, मैंने कभी पी नहीं, मैं नहीं कह सकता कि कैसा टेस्ट है, मगर बोलते हैं बहुत अच्छी टेस्ट, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है और वो सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जो लोग बीमार हैं, हार्ट के पेशेंट हैं और ऐसे कुछ है ना, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है वो चाय। जंगल में हो, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं आपको बता रहा हागल बोटे, हागल बोटे जो मैं आपको कह रहा था कि जर्मन लोग जो ब्रेकफास्ट में जो चाय पीते हैं, टी पीते हैं, तो ये दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें हागल बोटे, ये देख रहे हैं, ये हागल बोटे, ये देखें इस तरीके के होते हैं, ये जर्मन लोग हैं ना, इसको कहते हैं फ्रुस्टुक्टी। फ्रुस्टुक्टी मतलब कि जो ब्रेकफास्ट टी, तो ये लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट टी है। यहाँ से आप जंगल से तोड़कर घर लेकर जा सकते हैं, इसको पानी में उबालकर और उसके बाद जैसे ग्रीन टी बनती है इसे बना के पी सकते हैं। तो हमारे घर में भी पड़ी हुई है शायद, हाँ हमारे घर में भी, मैं जंगल से लेकर गया था लास्ट टाइम, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो पीती है चाय, तो मेरे वाइफ के पास है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरे घर में भी पड़ी हुई है ये सारी टी वगैरह। अच्छा व्यूअर्स, मैं एक और बात बताता हूँ, फिर मैं वीडियो करता हूँ एंड। ये जो जंगल है ना, इस जंगल के अंदर हिस्ट्री जर्मन की, यहाँ पे बंकर भी बने हुए हैं और वो बंकर पुराने, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी तब के बंकर है। तो वो भी मैं आपको ना इंशाल्लाह, अगर जो इंटरेस्टेड है, हाँ कौन गेम बोल रहा, अगर जो इंटरेस्टेड है, जो मेरे सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किए, तो उनसे मैं आज रिक्वेस्ट पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ऐसी चीज़ों में, तो जैसे जर्मन हिस्ट्री, हिटलर के बंकर, यहाँ पे बंकर है, मैं बंकर भी दिखा सकता हूँ आपको, और वो भी दिखा सकता हूँ जहाँ पे रशियन फौजियों ने जर्मन फौजियों को 80,000 फौजियों को मार दिया था, वो जगह भी मैं आपको, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त भी है जंगल के बीच में, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं, तो मुझे वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं। तो अभी मैं करता हूँ यहाँ पे वीडियो एंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा अपने भाइयों को, भाई को। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगा पुर्तगाल और नहीं सॉरी पुर्तगाल, बुल्गारिया और रोमानिया, जिसमें जॉब ऑफ़र हो रही है बहुत ज़बरदस्त, टेक्निकल जॉब्स ऑफ़र हो रही हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन सी जॉब ऑफ़र हो रही हैं। तो आज होती है यहाँ की वीडियो एंड यहाँ तक। तो नेक्स्ट वीडियो में कल इंशाल्लाह वो वीडियो अपलोड करूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल कीजिएगा।